नमस्कार, मैं हूं वंदना। मेरे साथ है स्टूडियो में जसपाल कौर जी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर भी हैं। जसपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आजकल समाज में स्पेशल चाइल्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है रिसेंट, मतलब बच्चों के रिगार्डिंग, अभी पेरेंट्स को और कह सकते हैं टीचर्स को भी काफ़ी अवेयरनेस नहीं है, पर अब जो है ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चों में ऐसी डिसेबिलिटी देखी जा रही हैं जिस वजह से उनको स्पेशल के कैटेगरी के अंदर फॉल डाउन किया जा रहा है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन कैटेगरी जो है वो डिसलेक्सिया ली जा रही है, जो कि रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैम, टीचर्स इनको कैसे पहचाने? टीचर्स के बेस पे तो मतलब मेन जो है सारा, आप कह सकते हैं कि बहुत ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड करना टीचर के लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो बच्चे जब स्कूल में एडमिशन्स लेते हैं एक सेट पैटर्न जो रहता है, 35 स्टूडेंट की क्लास है या 30 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें हर बच्चे का इंडिविजुअल अटेंशन पे करना और बच्चे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाती है टीचर को, उस वजह से जो आइडेंटिफिकेशंस रहती हैं उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड रहती हैं। तो टीचर के लिए तो सिर्फ यही रहता है कि जो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से टीचर्स इन चीज़ों के बेस पे पहचान पाते हैं कि इस बच्चे में शायद कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से दूसरे बच्चों के साथ ये मैचअप नहीं कर पा रहा है या उसके कंपैरेटिवली उतनी एबिलिटी से काम नहीं कर पा रहा जितनी कि वो कर सकता है। तो टीचर्स इस क्वेश्चन को पेरेंट्स तक लेके जाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि बच्चे में क्या कमी है या कोई दिक्कत घर पे भी आ रही है या सिर्फ स्कूल के एटमॉस्फेयर में किसी वजह से हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन का बेस जो है इनिशियल स्टेज यही रहती है कि परफॉर्मेंस क्या है बच्चे की क्लासरूम में। टीचर्स इनको पहचान लेते हैं तो जो इनके पेरेंट्स हैं वो नहीं पहचान पाते हैं कई बार इनको, तो पेरेंट्स भी कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पहचान तो लेते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वंदना जी आपने। ये एक मेन आप कह सकते हैं कि मुद्दा है आजकल का भी, कि अगर बच्चे में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है किसी प्रॉब्लम की, या पेरेंट्स को भी पता है, या क्लिनिकल टेस्टिंग जो है वो भी करवा चुके हैं, साइकेट्रिक टेस्ट जो हैं वो भी करवा चुके हैं, और इवन डॉक्टर्स जो हैं वो सर्टिफाइड भी कर चुके हैं बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो पर एज अ बींग अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। पर हमें सोचना चाहिए कि अगर एक्सेप्टेंस उनकी तरफ से नहीं रहेगी तो टीचर की तरफ से या समाज की तरफ से उस बच्चे को बेनिफिट करना बहुत मुश्किल रहता है। अगर वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि बच्चे को इनिशियली स्टेज पे ही जो है सपोर्ट मिल जाएगा स्कूल की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी, पर अगर उनकी तरफ से डिले रहेगा तो नो डाउट उसकी बच्चे की एबिलिटी अप होने में भी डिले हो जाएगा। समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अगर एक बार पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो समाज पे आके एक बार बात रुक जाती है, समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समाज के लिए भी ये एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह पे है, सब जगह पे कंपटीशन है, बच्चों की एडमिशन से लेके किसी भी गेम्स में छोटे से भी मतलब परफॉर्मेंस देनी, हर चीज़ में बच्चों को ग्रेड वन से लेके प्लस टू तक कॉम्पिटिशन से गुजरना पड़ता है। उस वजह से अब इन बच्चों के लिए स्पेशल कह सकते हैं कि कैटेगरीज दी गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इन बच्चों को स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में इन चीज़ों की एक दायरा बना हुआ है कि इन बच्चों को जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं तो वाई दे आर, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ये बच्चे जो हैं इन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं। पर ये क्वेश्चन जो है ये समाज ही हटा सकता है, क्योंकि अब दोनों बच्चों को जो सेग्रीगेट किया गया है समाज की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से जो अलग किया जा रहा है, ये बच्चे दोनों अलग अलग हैं, पर इंक्लूसिव क्लासरूम सेटिंग्स जो एटमॉस्फेयर हम देखें इन बच्चों को आगे ला सकते हैं वो समाज की तरफ से ही इनिशिएटिव हो सकता है। क्या टीचर्स को इन बच्चों के साथ में एज अ नॉर्मल चाइल्ड बिहेव करना चाहिए या इनके साथ अलग से बिहेव करना चाहिए? इस क्वेश्चन में मैं दो फेजेस में आंसर देना चाहूँगी। एक तो ये कि इन बच्चों को हम पहले से ही एक टैग लाइन में ना लेके आए कि इस बच्चे में कोई दिक्कत है या इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या ये स्लो लर्नर है या स्पेशल चाइल्ड है। ये दिमाग में लाके अगर हम बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी में ये रहेगा कि इस बच्चे को कोई दिक्कत है, इस वजह से मैं ये तरीका अपना रही हूँ।
हमें उस बच्चे को पहले से ही नॉर्मल लेना चाहिए जैसे दूसरे बच्चे हैं। एज अ टीचर की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि टीचर को दूसरे बच्चों और इस बच्चे में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा अलग है, मुझे इसके लिए अलग से एफर्ट करने हैं। नॉर्मल बच्चा और इस बच्चे में कोई भी फ़र्क नहीं है। एक बच्चा शायद एक कॉन्सेप्ट को समझने में 5 मिनट ले रहा है तो शायद ये बच्चा 10 मिनट ले रहा है, इतना फ़र्क आप ले सकते हैं। पर दोनों का लेवल समझने का, उस चीज़ को लेने का सेम रहेगा, पर उस तरीके को आप डिफरेंट ले सकते हैं कि इस बच्चे को आप एसोसिएटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, दूसरे बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे के पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचर के लेवल पर रहेगा कि दोनों को डील जो है वो सेम लेवल पर करना चाहिए। टीचर्स जैसे इन बच्चों से अच्छी तरह से डील कर लेती हैं, तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ है अलग से इन बच्चों के लिए कि वो बच्चा आगे बढ़ सके? एजुकेशन सिस्टम में वैसे तो इन बच्चों के लिए हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनमें इन बच्चों के लिए अलग से IEP प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है और वो पेरेंट्स ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। साइकेट्रिक लेवल पर टेस्टिंग के बाद ये प्रोग्राम डिज़ाइन होता है, पर डिपेंड करता है कि ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन करने के बाद अडेप्टेशन जो है उस बच्चे की तरफ से कितनी हुई है, मतलब इम्प्रूवमेंट कितनी आ रही है, और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट का लेवल क्या रहा है। अगर वो प्रोग्राम अगर प्रोवाइड किया गया है बच्चे को 10% या 5% इम्प्रूवमेंट है तो दैट मींस किसका मतलब है, वो जितना एफर्ट टीचर की तरफ से होने चाहिए या हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट चाहिए वो अभी मिल नहीं पा रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट हमें 100% तक लाने के लिए वो फैसिलिटीज़ जो दी जा रही हैं उसके पैरामीटर्स देखने चाहिए कि उस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को डिसलेक्सिया डायग्नोस्ड है, उसके लिए स्पेशल एजुकेटर अपॉइंटेड है, पर अगर स्पेशल एजुकेटर के पास मतलब टीचर की मेंटालिटी अगर देखी जाए कि हाँ ये बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है और उस बच्चे को स्पेशल एजुकेटर ही डील करेगा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं नॉर्मल बच्चों को ही पढ़ाऊंगी और ये बच्चा जो है स्पेशल एजुकेटर ही जो है पढ़ाएगा, ये चीज़ गलत है। क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाने का जो तरीका है वो सेम रहना चाहिए, स्कूल की तरफ से जो इनिशिएटिव है वो बराबर लेवल पे ही रहेगा, तो ही वो बच्चा मेन स्ट्रीम में आगे आ पाएगा। क्योंकि स्पेशल एजुकेटर की तरफ से भी अगर पीरियड जो लिए जा रहे हैं एक या दो पीरियड में वो सारे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, जिस वजह से वो पीछे रहेगा, तो जो दिक्कत है उस बच्चे की डिसलेक्सिया की वो सेम ही रहेगी। तो डिसलेक्सिया से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो राइटिंग से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से है, और हैंडीकैप भी हैं कुछ बच्चे जो डिसेबिलिटी, फिजिकली बच्चे चैलेंज्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो इन चीज़ों में डिफरेंट डिफरेंट एरिया है जिसमें टीचर को देखना चाहिए और स्कूल के साथ जो एसोसिएटिव पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है ये सारा कुछ डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर में कि उसे डील करने के तरीके कौन से लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स को आप कैसे गाइड करेंगी एज अ साइकेट्रिस्ट? पेरेंट्स को मैं यही गाइड करना चाहूँगी एज अ साइकेट्रिस्ट कि पहले तो एक्सेप्ट खुद करें कि मेरे बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक पॉजिटिव मैनर से एक्सेप्ट करें कि साकात्रक रूम से ही करना चाहिए कि उस बच्चे में प्रॉब्लम जो है वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, या समाज के सिर्फ डर के कि मेरे बच्चे को लोग कैसे देखेंगे उसको छुपाने के लिए अपने बच्चे की प्रॉब्लम को हाइड करने की बजाय कि मेरा बच्चा ठीक है और इसको नॉर्मल स्कूल में डाला तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन चीज़ों से हटके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए पहले एक्सेप्ट करें कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम आगे क्या कदम उठा सकते हैं, उसको कैसे सपोर्ट करना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या है, सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें, ना कि समाज के नज़रियों को देखते हुए कि नहीं समाज हमारे बारे में या मेरे बच्चे के लिए क्या कहेगा। समाज हमसे ही बना है, हम ही समाज के कह सकते हैं कि पार्ट हैं। अगर हम ही इनिशिएटिव लेंगे एज अ पेरेंट एक आगे बढ़ते हैं अपने बच्चे को लेके, अगर वो आगे इनिशिएटिव लेंगे नो डाउट समाज भी साथ ज़रूर देगा। मैम स्कूल के अंदर जब एक नॉर्मल बच्चा होता है और एक जो स्पेशल बच्चा होता है उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है, ख़ास तौर से क्लास में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंतर करते हैं, तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, दोनों बच्चों में नो डाउट बहुत अंतर रहता है क्योंकि मेंटल लेवल जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से पढ़ाने के तरीके जो हैं टीचर को अलग लेने पड़ते हैं। दूसरे बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मुझे नहीं दी गई तो उस बच्चे के साथ टीचर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है।
तो बच्चे इन चीज़ों में ऑब्जर्व करने के लिए बहुत तेज़ रहते हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। पर यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि बच्चों को समझाने के तरीके अपनाने से पहले वो सारे बच्चों को सेंसिटाइज करें कि ऐसा तरीका क्यों अपनाया गया है। अगर क्यों फैक्टर जो है रिजॉल्व कर दिया जाए बच्चों को कि इन तरीकों को क्यों लिया जा रहा है या उस बच्चे की ऐसी ज़रूरत क्यों है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम रहेगी कि ऐसा तरीका या स्पेशल कोई फैसिलिटी क्यों दी जा रही है। क्योंकि अगर बच्चों को सेंसिटाइज ही नहीं किया गया है कि उस दिक्कत उस बच्चे में क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मुझे तो यही लगता है कि पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए, सिबलिंग्स के साथ भी अगर घर पर भी ऐसा कुछ है सिबलिंग्स के साथ भी ऐसे ही डील करें और स्कूल में टीचर्स भी ऐसे ही मेथड्स लें। क्या इन बच्चों का सिलेबस अलग होना चाहिए? बिल्कुल, सिलेबस अलग मैं उस तरीके से नहीं लूँगी कि क्योंकि बोर्ड के सिलेबस सेम रहते हैं, CBSE ICSE जो बोर्ड है उनके सिलेबस सेम ही रहेंगे, पर इनको डील करने के लिए अजम्पशंस प्रोवाइड की जाती हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, रीडर एंड राइटर प्रोवाइड किए जाते हैं। पर नो डाउट स्कूल के लेवल पे जो इंटरनल लेवल पे असेसमेंट्स रहती हैं उसमें सिलेबस में बच्चे को सपोर्ट ज़रूर किया जाता है ताकि बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए उनका सिलेबस ज़रूर उसके लेवल पर डिज़ाइन, जिसे कस्टमाइज सिलेबस कहा जाता है, वो ज़रूर डिज़ाइन होना चाहिए ताकि एज अ बोर्ड एग्ज़ाम तक आते हुए उस बच्चे का लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना डेवलप हो चुका हो कि वो कॉप अप कर सके दूसरे बच्चों के साथ। एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या फैसिलिटी दी है ऐसे बच्चों के लिए? एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं कहूँ तो फैसिलिटीज तो एज अ स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, काउंसलर जो हैं, प्रोवाइड किए गए हैं स्कूल्स में जो इन बच्चों को डील कर रहे हैं। पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी चाहिए क्योंकि वो एक काउंसलर एक प्रोवाइड करना या स्पेशल एजुकेटर एक होना पूरे स्कूल लेवल पे ही पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो है आप बच्चों की जो ज़रूरतें हैं इन इस फील्ड के अंदर, मैं समझ रही हूँ कि हम एक नॉर्मल बच्चे को भी लेते हैं तो काउंसलिंग की ज़रूरत सिर्फ इन बच्चों को नहीं है, नॉर्मल बच्चों को भी है कि आगे फील्ड में क्या करना है। स्ट्रेस लेवल बच्चों का ऐसा है कि उनको आगे कैसे जाना है, अपने छोटे से छोटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, किस लेवल पर जो है उन्हें सोचना चाहिए, हर प्रॉब्लम का नज़रिया कैसे लेना चाहिए, ये चीज़ें काउंसलिंग लेवल पर जो है और स्पेशल एजुकेटर लेवल पर आती हैं। पर इन चीज़ों को डील करते वक्त बच्चों में भी जो है फैक्टर्स ये रहते हैं कि काउंसलिंग जो दी जा रही है वो किस लेवल पे जो है उनके लेवल पे दी जा रही है, और गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों में जो इनिशिएटिव ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स भी इनिशिएटिव लें इसके अंदर, गवर्नमेंट अगर चाहे तो और एजेंसीज अपॉइंट कर सकते हैं, सो दैट कि पेरेंट्स अगर स्कूल के लेवल पे नहीं, अगर स्कूल जैसे बच्चे का प्लस टू के बाद फिनिश हो गया है उसके बाद वो कहाँ कंसल्ट करें, उसके बाद उन्हें कहाँ जाना चाहिए करियर गाइडलाइंस के लिए, आगे जो अगर जॉब लेवल पे एम्प्लॉयमेंट पे आ गए हैं तो एम्प्लॉयमेंट फील्ड में भी इन बच्चों के लिए अलग डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं कि उनको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अंदर आ चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट भी अगर जॉब ले चुके हैं तो उस जॉब के अंदर उनकी कैटेगरीज क्या रहती हैं, कौन से राइट्स रहते हैं। सो दीज आर द मतलब एक सिक्वेंसिंग में फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमें ज़रूरत है काफ़ी फील्ड के अंदर जो अभी अंडर डिवेलप मैं कह सकती हूँ, पर मैं चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट इसमें चाहे तो हेल्प करने में आगे तक मतलब इन बच्चों को लाने के लिए कदम उठा सकती है। इन बच्चों को आगे लाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इन बच्चों को आगे लाने के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी इन बच्चों को प्यार की बहुत ज़रूरत रहती है, ये टीचर के लेवल पे भी मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स के लेवल पे भी कह रही हूँ, समाज के लेवल पे भी कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार इन बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं हर चीज़ पे अपने आप को, मतलब अगर मैं अपने आप को लूँ एज अ साइकेट्रिस्ट मैं अब बात कर रही हूँ, तो अगर कोई भी पर्सन अपने आप को ले अगर हर चीज़ में वो पीछे रह रहा है तो किसी भी चीज़ का अचीवमेंट फैक्टर वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो हर चीज़ में पीछे रहना, हर चीज़ का अचीवमेंट फैक्टर जो नहीं आ पा रहा, वो फील करना कि मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ, तो वो एक एस्केपिंग बिहेवियर जो बच्चे का आता है उस चीज़ को निकालना टीचर के लिए भी पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इन बच्चों को अगर हम प्यार से डील करें, जो उनमें स्ट्रेंथ है जो वो अच्छा कर सकते हैं उसको अगर हम सपोर्ट करें, फुली मोटिवेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे आगे किसी फील्ड में नहीं जा सकते, वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जसपाल कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए।
मैम ने जैसा कि बताया कि ऐसे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा दुलार की, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए अपना सहयोग दें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।